जय जोहार दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज। लोकसभा चुनाव से जुड़े हमारे स्पेशल शो गढ़ के दावेदार में हम बात करेंगे जांजगीर लोकसभा सीट की। जांजगीर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वर्तमान में यहां से बीजेपी के गुहाराम अजगले सांसद हैं, लेकिन बीजेपी ने सिटिंग सांसद का टिकट काटकर कमलेश चांदने को मौका दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि यहां से कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बना सकती है। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा सीट आती हैं, जिनमें अकलतरा, जांजगीर चांपा, सक्ती, चंद्रपुर, जयजयपुर, पामगढ़, बिलाईगढ़ और कसडोल शामिल है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जांजगीर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी। यहां बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया। ऐसे में भाजपा का इस सीट पर विशेष फोकस है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांजगीर से ही लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद किया। इस सीट पर बीजेपी ने सोच समझकर एक नए चेहरे को मौका दिया है। सरपंच रह चुकी कमलेश जांगड़े अब यहां से बीजेपी की उम्मीदवार है। जांजगीर की सभी 8 सीटों पर कांग्रेस के जीतने का श्रेय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को भी जाता है। उनका इस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है और वो इस सीट से सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में पहले खबरें थी कि जांजगीर से चरणदास महंत चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब टिकट के दावेदारों में जो नाम सामने आ रहे हैं, चलिए वो आपको बताते हैं। पहला नाम पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया का है। 2018 में उन्होंने आरंग विधानसभा सीट से चुनाव जीता था और भूपेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भी रहे, लेकिन इस बार के वो चुनाव में हार गए। ऐसे में खबरें हैं कि जांजगीर सीट से वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। दूसरा नाम राइस किंग खुंटे का सामने आ रहा है। चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के डबरा गांव के ये रहने वाले हैं। वर्तमान में वो अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। 2019 से लगातार वो क्षेत्र में सक्रिय हैं। ऐसे में उन्हें भी कांग्रेस का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। दावेदारों की लिस्ट में तीसरा नाम रमेश पैगवार का है। पेशे से वकील हैं, वे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में नैला से पार्षद हैं और जांजगीर के मूल निवासी हैं। इनके बाद साक्षी युगल बंजारे का नाम है। वर्तमान में वो जिला पंचायत सदस्य हैं। साक्षी मालखरौदा क्षेत्र के सिंगराहा गांव की रहने वाली हैं। अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा एक्टिव हैं। ऐसे में उनके नाम की भी चर्चा जोरों पर है। दावेदारों की लिस्ट में अगला नाम रविशेखर भारद्वाज का है। जांजगीर लोकसभा सीट से ये पूर्व कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं। रवि राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। उनके पिताजी परसराम भारद्वाज अविभाजित मध्य प्रदेश के समय सारंगढ़ लोकसभा सीट से 6 बार सांसद रह चुके हैं। उनका मूल निवास छत्तीसगढ़ की छोटी काशी कहे जाने वाले खरौद नगर पंचायत है। इन सब के अलावा एक और नाम की चर्चा जोरों पर है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया भी कांग्रेस की तरफ से टिकट की दावेदार हैं। हाल ही में सामुदायिक भवन के कब्जे को लेकर वो विवादों में नजर आई थी। इन नामों को लेकर बस कयास लगाए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस जांजगीर सीट से किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है जांजगीर से हमारे सहयोगी दुर्गेश यादव ने। उम्मीद है आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। और अगर छत्तीसगढ़ तक आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार।